दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। आज हम मसाला स्पेशल सर्दी जुखाम में पीने वाली एक चाय की रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सर्दी जुखाम के लिए मसाला चाय। चाय तो दोस्तों सभी लोग पीते हैं और अक्सर कर सभी लोगों को चाय के बारे में पता ही है। हमारे इंडिया में चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चाय बनाकर बताएंगे, जो सर्दी जुखाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और मुझे जुखाम हो रहा है इसीलिए मैं ये चाय का आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने ये 2 कप दूध लिया है। आप किसी में भी आप दूध अपनी चाय के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो दूध को हम अच्छे से खौलाएंगे और जब तक हमारा दूध खौलता है तब तक इसमें हम डाल देते हैं 4 चम्मच चीनी। ये दोस्तों हमने 4 कप चाय बनानी है तो उसमें हम 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। मिठास भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया था तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और दूध को अच्छे से उबलने देते हैं कम से कम 1-2 मिनट तक। दूध हमारा उबल गया है, अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चाय की पत्ती। पत्ती आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कड़क पीनी है या हल्की कड़क पीनी है। उसके बाद दोस्तों इसको स्पेशल मसाला देने के लिए मैंने ये लिया है, थोड़ा सा मैंने ये है दालचीनी की थोड़ा सा टुकड़ा है, 4 है काली मिर्च, 2 है लौंग और 2 है हरी इलायची। इन सभी को अच्छे से कूट कर इसको पीस लेते हैं। ये जो मैंने काली मिर्ची और लौंग वगैरह इलायची वगैरह ली थी इसको मैंने कूट लिया है, दरदरा कूटा है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में अच्छे से पीस सकते हैं। अब दोस्तों हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी की तासीर गर्म होती है तो उसके वजह से हमारी चाय का एकदम ही डिफरेंट टेस्ट आता है। सभी चीजें हमने डाल दी हैं। अब हम इसको करीब 10-15 मिनट तक लो मीडियम गैस पर अच्छे से इसको खौलाएंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है, चाय की पत्ती डाली है और हल्दी पाउडर डाला है, उनका सबका टेस्ट अच्छे से उभर कर चाय के अंदर आए। देखिए चाय हमारी अच्छे से खौल गई है और इसमें ऊपर से मलाई भी पड़ गई है। और दोस्तों चम्मच हम कभी भी आप जल्दी में हो या आपको घर का काम करना हो तो आप इस तरह से चाय को चढ़ा दें और इस तरह से चाय में ये चम्मच डाल दें तो आपकी कभी भी चाय खोल खोल के ऊपर नहीं निकलेगी और चाय भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों चाय हमारा कलर भी चेंज कर गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। तो दोस्तों इसको आप छान लेते हैं। मसाला चाय स्पेशल तरीके से बनके तैयार है, आप इसको एंजॉय कीजिए ऐसी ठंडी में। ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, बच्चे हों या बड़े। जब भी आपका कुछ अलग हटके चाय पीने का मन करे या आपको हल्का फुल्का कोल्ड हो रहा हो तो ये आपको बहुत ही जल्दी ठीक करती है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक ज़रूर करना। और अगर चाय की रेसिपी अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।